आज मैं आ चुका हूँ अपनी सिस्टर के सर्वाइवल वर्ल्ड में एंड आज मैं उसे ट्रोल करने वाला हूँ जायंट एलेक्स बन के। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमारा टारगेट बिल्कुल हमारे सामने है और मुझे देखो, मैं अभी कितना छोटा हूँ लेकिन अगर आप सभी लोग अभी लाइक दबाओगे तो मेरा साइज बड़ा हो जाएगा। तो कर दो जल्दी लाइक। ओ भाई साहब, मेरा साइज कितना बड़ा हो गया, अब लग रहा हूँ असली जायंट एलेक्स। तो मैं पेड़ों के पीछे थोड़ा सा छिप चुका हूँ और अब टाइम आ गया है अपनी पावर का यूज करके इसे डराने का। अबे ये कैसा भूकंप सा आ रहा है, मेरी पूरी स्क्रीन हिल गई, बाहर जाके देखती हूँ। अरे बाहर तो कुछ भी नहीं है, और ये बड़े बड़े फुटप्रिंट्स किसके हैं, कहीं जायंट एलेक्स? नहीं नहीं नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये पक्का मुझे कार्तिक फिर ट्रोल कर रहा है। पर मैं इस बार ट्रोल नहीं होने वाली, सुन रहा है ना तू, मैं इस बार ट्रोल नहीं होने वाली हूँ। अच्छा अबे ये इसने क्या कर दिया, मेरे फुटप्रिंट को स्विमिंग पूल बना दिया। मुझे लगता है इसे थोड़ा थोड़ा शक हो गया है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला, इसे तो ट्रोल करके ही रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपना नेम चेंज करने वाला हूँ एंड अपना नेम रखने वाला हूँ जायंट एलेक्स। हो गया, एंड अब इसे मैसेज करने वाला हूँ, आई कैन सी यू, यस यही भेजते हैं। और अगर ये डरी तो तुमको लाइक करना पड़ेगा। ये किसकी चैट आई, आई कैन सी यू जायंट एलेक्स? शायद अब मैं सेफ हूँ, एक सेकंड, मेरे रैबिट्स तो ऊपर ही रह गए, नहीं रैबिट्स। ओ भाई ये तो डर के नीचे ही घुस गई, अब करो जल्दी से लाइक। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर सेट करता हूँ पोजीशन वन एंड यहाँ पर पोजीशन सेकंड एंड इस पूरे को डर्ट से फिल कर देता हूँ, भाई अब मजा आएगा। मैंने इतना ज्यादा तो नीचे डिग नहीं किया था जितना ऊपर जाने के लिए करना पड़ रहा है, पक्का ये जायंट एलेक्स का काम है, लेकिन रैबिट्स को तो बचाना ही पड़ेगा। अरे ये काफी ऊपर तक आ चुकी है, भारी निकलने वाली है, चल बेटा अब टाइम आ चुका है नीचे जाने का, निकल। नीचे कैसे गिरी है, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, बाहर रुकना सेफ नहीं है, जल्दी से घर में चलती हूँ। कहाँ छुपूँ, यहाँ तो कोई छुपने की जगह भी नहीं है। ये तो घर में घुस गई, चलो इसके घर में ही देख के आते हैं ये कर क्या रही है। एक काम करती हूँ, सारी खिड़की दरवाजों को ऑब्सीडियन से कवर कर देती हूँ ताकि कोई अंदर ही ना आ पाए। अरे ये अपने पूरे घर को ऑब्सीडियन से कवर कर रही है, इसे लगता है ऐसा करके ये बच जाएगी, पर नहीं। और ये स्वॉर्ड देखो, ये कैसे रख रखी है इसने, पता नहीं, और नीचे भी कवर करने जा रही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है, इसका फेस दूसरी साइड है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे काफी सारे जायंट एलेक्स के हेड रख देता हूँ, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर, और एक इसके बिल्कुल बगल में भी रख देता हूँ, अब मजा आएगा। और मैं चैट में लिखने वाला हूँ, दिस ऑब्सीडियन कांट स्टॉप मी, यस। ये क्या लिखा है, दिस ऑब्सीडियन कांट स्टॉप मी, मतलब वो मेरे घर पे, आ ये हेड कहाँ से आए? अबे यार इतने सारे हेड तोड़ो इन्हें। ओ ये हेड तोड़ रही है, मेरे पास एक और आइडिया है इसे डराने का, जैसे ये हेड अपनी इन्वेंटरी में कलेक्ट करेगी मैं यहाँ पर लाइटनिंग समन कर दूंगा, एंड 3 2 1 ये ले। ये लाइटनिंग कहाँ से गिर रही है, भागो। अब मैं चैट में लिखने वाला हूँ, यू मेड ए बिग मिस्टेक, अब आएगा मजा। यू मेड अ बिग मिस्टेक, अबे यार मुझे लगता है मुझे ये हेड ही नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं भी क्या क्या कर रही हूँ। अरे लाइटनिंग से सारे विलेजर विच में कन्वर्ट हो गए, ये तो और बढ़िया हुआ। और एक काम करता हूँ, यहाँ कारपेट के ऊपर हेड लगा देता हूँ एंड अब कारपेट तोड़ देता हूँ, भाई ऐसा लग रहा है जैसे हेड उड़ रहे हो, और भी डरावना लग रहा है ये तो। अबे यार ऐसे तो विच मुझे मार देंगी, और मैंने तो गेट पे भी ऑब्सीडियन लगा दी, अब ये तोड़ के जाना पड़ेगा। भाई साहब लिटरली हाफ हर्ट पे बची हूँ, देखो तो अभी भी कैसे दिख रही है मुझे, बस हवा निकल गई। अरे ये भाग के दूसरी साइड जा रही है, इससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ एंड अब यहाँ पर मैं इसे डराने के लिए बनने वाला हूँ जायंट एलेक्स, एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल शांत खड़े रहने वाला हूँ बस। अब अबे यार वो विच से बच गई तो सामने ये जायंट एलेक्स खड़ी हो गई, अब बहुत हो गया मेरे पास, बहुत ओपी आर्मर है, इसे यही बिछा के गाड़ दूंगी। बहुत बढ़िया, मतलब बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, मुझे बिछाने की बात कर रही है। बेटा साइज देख रही है अपना, एक पैर रख दिया ना तेरे ऊपर, बेडरॉक तोड़ के वॉइड में जाके गिरेगी। यार जायंट एलेक्स बना हुआ हूँ मैं, कोई इज्जत ही नहीं है। ये जायंट एलेक्स कम थी क्या जो इसने अपने चेले चपाटे भी स्पॉन कर दिया, और ये तो मर भी नहीं रहे हैं, घर में जाना ही सेफ होगा। ये अपने घर के बाहर जा चुकी है, थोड़ा सा लाइटनिंग करके इसे डराते हैं ताकि ये घर से बाहर आने की सोचे भी ना। ये मैं भी अपना साइज छोटा करके चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसने मेरे फुटप्रिंट्स को स्विमिंग पूल बनाया ना, अब उसे लावा का स्विमिंग पूल बना के इसके रैबिट्स को उसमें घेरूंगा। चल भाई रैबिट आ जा, तेरा पकने का टाइम हो चुका है। हक दिया। अबे ये तो यहीं पर मर गया, चलो कोई बात नहीं, पकाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं मर गया। अब इसे बता तो दूं, चैट में लिख देता हूँ RIP रैबिट्स। अबे मेरे रैबिट्स मार दिए, कितने नाजुकता से पाला था उन्हें। अबे ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी देर में जायंट एलेक्स मुझे भी मार देगी, कुछ तो करना पड़ेगा। ओ मेरे पास एक आइडिया है, ये अपने घर के बाहर ही खड़ी है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्सीडियन की वॉल बना देता हूँ, यस। अबे ये ऑब्सीडियन की दीवारें कैसे खड़ी हो गई, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? एक काम करता हूँ, इसे और डराने के लिए यहाँ लावा भी भर देता हूँ। अरे वो ऑब्सीडियन के नीचे जगह बची हुई है, वहां से निकल जाती हूँ। अबे ये लावा कहाँ से आ गया? नहीं
ओ ये वापस अपने घर के अंदर भाग रही है। ये इसके लगाए हुए ऑब्सीडियन इसके लिए ही रुकावट बन रहे हैं। कोई नहीं, जाने दो इसे घर के अंदर। मैंने घर के अंदर पहले से ही काफी सारे जायंट एलेक्स स्पॉन कर रखे हैं, अब मजा आएगा। अब तो एक घर ही सेफ जगह बची है। ये घर में मेरे जायंट एलेक्स के चमचे कैसे आ गए और ऊपर से ये बीच? अब तो मैं गई। अंदर से पिटने की आवाज आ रही है, जाके देखता हूँ अंदर। अबे कितनी तेज है ये, मेरे जायंट एलेक्स और विच को लड़वा दिया, खुद ऊपर जाके छुप के बैठ गई। वेट, अब एक काम करता हूँ, ये सारा लावा को वाटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, अब तो बाहर पक्का आएगी। अबे यहाँ पानी आ गया, यही मौका है निकलो यहाँ से। अच्छा जी, बाहर जाने की कोशिश। एक काम करता हूँ, यहाँ से ये ऑब्सीडियन वाटर सब हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब तोड़ के बाहर जाने की कोशिश। पर इतनी बड़ी नूब है कि इसके पास एक पिकैक्स तक नहीं है, हाथ से तोड़ के जा रही है। पर कोई बात नहीं, जैसी बाहर आएगी मैं यहाँ हीरो ब्राइन समझ कर दूंगा। ओ बाहर आ गई, ये देखो हमारा जॉइंट हीरो ब्राइन। यस फाइनली एस्केप। ये हीरो ब्राइन कहाँ से आया? ये जायंट एलेक्स कम थी क्या जो अपने साथ हीरो ब्राइन को भी बुला लिया? अभी इसे मार के आती हूँ। नहीं नहीं गोरी, क्या कर रही है ये, पागल हो गई है? पता चली तुझे ही मार दे, भाग ऐसे। अच्छा जी, भागने की कोशिश, ये ले। अबे इतना बड़ा हेड, छोटे हेड से बिजली गिरी थी, बड़े हेड से क्या होगा, भागो यहाँ से। एक इधर भी फेंक देता हूँ। अबे सामने भी आ गई है, जायंट एलेक्स आज मार की रहेगी। अबे ये क्या कर्ज लगा हुआ है, जहाँ भी जा रही हूँ सामने हेड आ जाते हैं। ओ भाई इस बार तो ये बुरी तरह ट्रोल हो चुकी है। अरे ये ऊपर बिल्डअप कर रही है, इतनी जल्दी मैं इसे बचने नहीं दूंगा। एक मिनट, यहाँ लाइटनिंग करता हूँ। अबे मेरे ब्लॉक्स खुद टूट रहे हैं, भागो। अरे एक काम करता हूँ, मैं रात करके यहाँ पर एक विदर स्पॉन कर देता हूँ, अब आएगा मजा। अबे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दुनिया की सारी दिक्कतें मेरे ऊपर ही आके गिर रही हैं, अब ये विदर भी आ गया। हाँ फोड़ दे, पूरा वर्ल्ड फोड़ दे। वैसे ये तो मेरा ही काम आसान कर रहा है, मतलब जायंट एलेक्स के चमचों को मार रहे हैं। वाह बेटे लगा रहे। अरे ये विदर से कुछ नहीं होगा, लगता है इसे मुझे ही मारना पड़ेगा। ओ वेट, ये घर की तरफ भाग रही है। एक मिनट, यहाँ बाहर की साइड भी लावा कर देता हूँ, अब भाग। ओ विलेजर के घर में छुपने जा रही है, इसके ऊपर लाइटनिंग करता हूँ। वेट यार, ऐसे कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ, अंदर जाके क्रीपर स्पॉन कर देता हूँ। अबे ये अंदर क्रीपर कैसे पड़ गए, भागो, फट गए यार, सिर्फ दो हेल्थ बची है। अबे यार नीचे तो बहुत सारे क्रीपर हो गए, एक काम करती हूँ ऊपर बिल्डअप कर लेती हूँ, सेफ रहूंगी। अच्छा ये ऊपर बिल्डअप कर रही है, तो अब टाइम आ चुका है अपने असली रूप में आने का। ये देखो भाई कितना डरावना सीन लग रहा है यहाँ पर। अब मैं इसे एक एरो मारने वाला हूँ। ओ भाई कितना बड़ा एरो है ये। अबे ये इतने बड़े बड़े एरो कहाँ से आ रहे हैं? जायंट एलेक्स मेरे पीछे ही है। ओ ये अपने घर की साइड जाने की कोशिश कर रही है, पर मैं नहीं जाने दूंगा। ओ भाई ये देखो तो एक बार, तुम कितना खतरनाक सीन लग रहा है, ये कितनी छोटी लग रही है मेरे सामने। अब तो पक्का मरूंगी, लेकिन लास्ट टाइम ये बड़ा वाला हेड कलेक्ट करके जरूर देखती हूँ, देखते क्या होगा। वेट, अगर इसने हेड पे मेरा नाम लिख लिया तो इसे पता चल जाएगा कि ये सब मैं कर रहा था। ओ ये कर लिया मैंने हेड कलेक्ट। वेट, मेरे पास पहले से एक हेड था, लिखा क्या इस पे, क्या एमसी फ्लेम्स है? अबे ये हेड तो ये नीम चेक लगाने गई। एक बारी में मार दिया। अबे यार इसे पता चल गया कि मैं ट्रोल कर रहा था। ये राज, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर दिया, कहीं मेरे रूम में आके मुझसे लड़ने ना लग जाए। आ गई, मैं तो गया। हाँ बेटे आज तो तू गया, तेरी हिम्मत कैसी मुझे इतना गंदा ट्रोल करने की। अरे नहीं नहीं सुन दो, मैं वीडियो बना रहा था। गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इसके लिए कमेंट में गेट वेल सून भी लिख देना। गया तू तो आज। नहीं नहीं ओए फोन नहीं, फोन नहीं, फोन में तो नहीं। अबे यार बड़ी तेज भूख लग रही है आज तो, चलो जल्दी से फार्म में चलते हैं, क्या पता यहीं पर कुछ खाना मिल जाए। भैंस की इस पिक को किसने बांधा इस फार्म में? बेटे आज तो तुझे ही मार के खाऊंगा, निकल चल यहाँ से। ओके, और यार कोई भी आके फार्म खराब कर देता है मेरा, जल्दी से यहाँ पे वीट लगा देता हूँ। पता नहीं यार किसने खराब करा मेरा ये फार्म। यहाँ पे भी ये क्या है, टाइम ट्रेवल? अबे ये टाइम ट्रेवल क्या चीज है, चलो इसे यूज करके देखता हूँ। इसे कुछ इस तरीके से, वेट ये मैं कहाँ गया? ओ ये पिक तो मैंने मार दिया था ना, और यहाँ पे क्रोप भी लगा दी थी। अब समझा, ये फोन मुझे टाइम ट्रेवल कराता है। यार मस्त चीज है ये तो। भाई साहब मेरे हाथ तो बड़ी अच्छी चीज लगी है, एंड मेरे हाथ में कुछ अच्छा आइटम आए और मैं अपनी सिस्टर को ट्रोल ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अबे कहाँ घूम रहा है तू, भूल गया क्या आज माइनिंग के लिए जाना है? माइनिंग के लिए हाँ हाँ चलते है ना, बट मेरे पास पिकैक्स ही नहीं है। पकड़, हर चीज मुझे देनी पड़ती है, तेरे पास कुछ होता भी है? पिकैक्स दे दी तो चल थोड़ा सा खाना भी दे दे, भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी से दे। अबे भिखारी कुछ तो रखा कर अपने पास, हर चीज मुझे ही देनी पड़ती बस, है। बस 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 बहुत है बहुत है। चल चल आज बहुत सारे डायमंड माइन करके लाने हैं, देखते हैं कौन ज्यादा डायमंड माइन करता है। आजा रेस करेंगे कौन ज्यादा डायमंड माइन करेगा, चल जल्दी से। यार आज इतनी देर से डिग डाउन कर रहे हैं, पता नहीं केव मिलेगी भी या नहीं। पता नहीं आज डायमंड मिले। ओ केव मिली। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी केव लग रही है, पक्का यहाँ डायमंड होंगे। ओ भाई साहब इस साइड आयरन है, मतलब इस साइड डायमंड मिल सकते हैं। एक काम कर तू उस वाली साइड जा, एंड मैं इस वाली साइड जाता हूँ। ठीक है मैं इधर चलती हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ इस साइड। भाई मुझे पता है इस साइड डायमंड मिलने वाले हैं, मुझे तो बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे। ये देखते हैं आज किसको ज्यादा डायमंड मिलते हैं। अबे ये तो कुछ, ओ एमराल्ड्स, पक्का डायमंड भी मिल ही जाएंगे। गोरी को तो बिल्कुल भी डायमंड मिल गए। अबे चल झूठी, वैसे ही कुछ भी सच में देख मेरे पास डायमंड है। एक और। अबे
तो सही में डायमंड मिले? सच में? शिट यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई, यहाँ तो डायमंड का पूरा खान बचा हुआ है। वेट यार, लगता है मैंने गलत साइड चूज कर ली, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता हूँ ना। ओके, टाइम ट्रेवल करते हैं। 3, 2, 1। ये डायमंड मिलेंगे कि नहीं? ओ, ये तो बहुत बड़ी केव है। हाँ सच में, यहाँ तो बहुत सारे डायमंड होंगे ना। हाँ सही कह रही है। एक काम कर, तू उस वाली साइड जा एंड मैं इस साइड जाने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं किसे ज्यादा डायमंड मिलते हैं। चलो चलो इस वाली साइड चलते हैं, पक्का इधर डायमंड होंगे। लेट्स गो। ओ भाई आगे लव है, एंड यस मुझे डायमंड्स मिले। देखो आगे डायमंड्स हैं, जल्दी से इन्हें तोड़ते हैं चलकर। अबे यार इधर तो एमरलेड के अलावा कुछ है ही नहीं यार, किस्मत कितनी खराब है, एक भी डायमंड नहीं है। ये मेरा लग तो बहुत अच्छा है, आज इतने सारे डायमंड्स मिल गए। ऐसा मुझे लगता है मुझे यहाँ एमरलेड के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ओ भाई जल्दी से सारे डायमंड्स तोड़ लेता हूँ। तुझे कितने सारे डायमंड्स मिले? सिर्फ 2 एमरलेड और कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। अरे मुझे तो पूरे के पूरे 10 डायमंड मिले भाई साहब, हम बहुत डायमंड थे, मजा आ गया। यस अब जल्दी से अपने घर में जाके इन सारे डायमंड्स को अपनी चेस्ट में रख देता हूँ अच्छे से संभाल के। वेट, अबे यार सारी चेस्टों में भसड़ मची पड़ी है बिल्कुल। चल गोरी एक काम कर, तू इन सारी चेस्टों को सही कर दे। अबे मैं क्यों करूँ, एक तो वैसे ही मेरा इतना दिन खराब है, मुझे डायमंड नहीं मिले, तुझे रखने है तू खुद करना। अबे यार मेरे बस के नहीं है, ये बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। चल एक काम करते हैं, रोक पेपर सीजर खेलते हैं, जो भी हारेगा वो सारी चेस्ट को अच्छे से जमाएगा। हाँ ये सही है, वैसे भी रोक पेपर सीजर में मेरा लुक बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो तू रेडी है खेलने के लिए? हाँ मैं तो रेडी हूँ, बता स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं रोक पेपर सीजर। अबे मेरा रोक है, अबे जीत गई। यस सीजर है, कोई नहीं अभी तो एक ही मैच जीती है, 3 मैच होने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 मैच कर ले। रोक पेपर सीजर। अबे यार दोबारा जीत गई, तू कुछ ना कुछ चीटिंग कर रही है। मैं क्या चीटिंग कर रही हूँ, सब कुछ तेरे हाथ में, तू खुद ला रहे जो तुझे लाना है। एक और बाकी है, इसमें तो मैं जीत ही जाऊंगा। ठीक है ठीक है, रोक पेपर सीजर। अबे यार इस बार भी मैं जीत गई। यस चल जा, अब जल्दी जाके चेस्ट साफ कर, ये ढंग में लगाई हो ठीक है, उल्टी सीधी लगी ना तो फिर बताऊंगी तुझे। यार मुझे बिल्कुल मन नहीं है इतनी सारी चेस्ट साफ करने का। मेरे पास तो टाइम ट्रेवल वाला फोन है ना। वेट वेट, दोबारा से टाइम ट्रेवल करके जाता हूँ एंड इस बार मैं जीत जाऊंगा। मुझे तो वैसे ही पता ही क्या क्या लाने वाली है ये, सबसे पहले रोक लाएगी, फिर पेपर लाएगी, फिर सीजर लाएगी, एंड इस बार मैं अपोजिशन में लाकर जीत जाऊंगा, फिर सारी चेस्ट इसे साफ करनी पड़ेगी। ओके अब टाइम ट्रेवल करके पीछे चलते हैं। 3, 2, 1। रेडी है ना रोक पेपर सीजर के लिए? हाँ हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ एंड मैं जीतने भी वाला हूँ। हाँ हाँ वो तो देखते हैं। रोक पेपर सीजर। ओ यस, मैं जीत गया। यस यस, अरे अरे 2 टर्न और होंगी ना अभी, 3 टर्न होती है इसमें। चल उन्हें भी देख लेंगे कितना जीतेगी तू, मैं वैसे भी प्रो हूँ। रोक पेपर सीजर। ओ यस फाइनली भाई, ये राउंड भी मैं जीत गया। मुझे लास्ट राउंड नहीं करनी यार, लास्ट राउंड है रोक पेपर सीजर। फाइनली भाई ये वाला राउंड भी मैं जीत चुका हूँ। तू जीत गया, मुझे चेस्ट साफ करनी पड़ेगी। जा जा अब सारी चेस्ट तू साफ करेगी, अच्छे से लगाओ ना सारा सामान को, पोशन एक जगह, बुक्स एक जगह, टूल्स एक जगह। जा जा अब उधर है घर। तू जीत कैसे गया यार, मेरा अरे तो पेपर सीजर में बहुत अच्छा लग गया। हाँ कोई भी हो, लक कैसा भी हो, मैं प्रो हूँ, प्रो लोग हमेशा जीतते हैं। रुक जा चेस्ट में थोड़ा सा और कबाड़ा भरता हूँ, फिर अच्छे से साफ करना। यहाँ पर चेस्ट साफ कर और मैं इस पुल पे आराम से चिलिंग करने वाला हूँ आज। चिलिंग, ये 2000 years later. अच्छा दिन है ये, वाह वाह तो मजा ही आ रहा है बिल्कुल। ओए सुन, मैंने सारी चेस्ट ठीक कर दी, बिल्कुल एकदम क्लीन। अच्छा बढ़िया करा। चल वैसे तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, मेरे पीछे आ जल्दी से। चल जल्दी चल, कहाँ लेकर जाएगी इतनी दूर? अबे चल तो सही, सरप्राइज है एक, देखते हैं पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाली है। अबे यहाँ तो जंगल सा है ये पूरा, कब पहुँचेंगे? पहुँच गए। ओ ये यहाँ क्या सरप्राइज है, जल्दी बता क्या सरप्राइज है। अरे मेरा आज का दिन खराब था और मेरे पास सिर्फ डायमंड की एक तो यार ये एक चेस्ट प्लेट और एक ये हेलमेट है, तो मैं क्या करूँ जिनका कुछ काम नहीं है, मेरा पूरा आर्मर भी नहीं बन सका, तो मैं यहाँ फेंक रही हूँ। अगर तुझे चाहिए तो तू ले लेना, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। मगर क्यों, इन पूरा आर्मर बनने के डायमंड हो जाएंगे, मैं खुद बना लूँ। ठीक है तो इस आर्मर को मैं ले लेता हूँ, कितना अच्छा आर्मर है। अबे अबे शिट 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 शिट, कैसा मजा आ गया ना भाई। गया गया गया। अरे यार शीट, लावा में मेरा सारा सामान जल गया, सारे डायमंड्स गए। बट वेट, मेरा फोन बच गया। अबे टाइम ट्रेवल वाला फोन तो बच ही गया, अब इससे बदला लेकर रहूंगा। अबे तूने मेरे सारा डायमंड्स का आइटम जलवा दिया रहपट। ये मैंने जानबूझ के किया, तू बहुत खुश हो रहा था ना, मेरे पास तो इतने सारे डायमंड और मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने अपनी 2 चीज की बलि लगा के तेरे भी डायमंड खत्म करवा दिया। अब दोनों एम्प्टी पड़े हैं, मजा आएगा, दोनों शुरू से ढूंढेंगे। अबे यार तू अपने आप को ज्यादा ही होशियार मानती है ना। एक मिनट रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे तो मैं क्या करने वाला है तू। चल चल रुक जा तू एक मिनट, जब मैं टाइम में पीछे जाने वाला हूँ और फिर इस बार मैं खुद नहीं गिरूंगा उसमें, इसे ही फेंक दूंगा। जब तक मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ तब तक मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका
नाम है बीसी गेम्स। एंड यहाँ देखो यहाँ कितने सारे गेम्स है, एंड यहाँ आप सिंपली प्रिडिक्शन करके प्राइज अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कॉइन फ्लिप खेल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अमाउंट डालना है, देन मैं यहाँ पर हेड पर प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। एंड यस मैं जीत भी गया, एंड मैं अपने विन करे हुए प्राइस को इजीली कैश आउट कर सकता हूँ। मेरी तरह आप भी प्रिडिक्शन करके जीत सकते हो काफी अच्छे प्राइसेस। और अभी पीसी गेम पे फीफा का गिव अवे चल रहा है, जहाँ पर आप जीत सकते हो टेस्ला ईवी और दुबई की ट्रिप। मेरी लिंक यूज करने से आपके 30% चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अभी चल रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, आप उस पर भी प्रिडिक्शन करके जीत सकते हो। मैंने लिंक कमेंट में पिन कर दिया, मेरे रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। देखो 3-2-1 कितनी दूर है सरप्राइज। बस आ गया आ गया। ओ ये कैसे सरप्राइज है? अरे एक्चुअली आज मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला, मेरा इतना दिन खराब था और मेरे पास सिर्फ ये दो ही चीजें थी, एक तो ये चेस्ट प्लेट और एक ये हेलमेट। वैसे भी अब मैं इन दो चीज का क्या करूंगी, जब मेरे पास 64 स्टैक का डायमंड होगा जिनसे पूरा आर्मर बना लूं मैं तब बना लूंगी। अभी तू ये चाहिए तो ले ले। अच्छा ये मैं रख लूं? हाँ तो एक काम कर, तू जाकर ठाक ला। अब आया मजा, तो मुझे इस ट्रैप में खेलना चाहती थी है ना? आई बड़ी मुझसे पंगा लेगी, ये प्रो से मेरे से पंगा लेगी। बताओ भाई मुझे ट्रैप में गिरना चाहती थी, अबे मेरे 12 डायमंड्स चले जाते अभी के अभी। अबे यार इसे कैसे पता चला, आज का दिन ही खराब है यार, सारी चीजें इसे पता चल जा रही है। भाई सौ बात तो बची गया, मेरी इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड हाँ मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो। यस अब मजा आएगा, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे डायमंड्स, पता नहीं क्या क्या होगा, मजा ही आ जाएगा। अरे तू क्यों खुश हो रही है इतनी, आज तो तेरा दिन भी खराब था ना, डायमंड मिले। वो यहाँ के किंग ने है ना क्रिसमस स्पेशल वो चूज वन वाला इवेंट स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लगता है मेरा दिन सुबह से खराब था तो अब तो पक्का अच्छा होगा, जरूर कुछ मैं जरूर चूज वन में कुछ ना कुछ तो जीत ही जाऊंगी। मतलब तू प्रोबेबिलिटी पे इतनी खुश हो रही है? हाँ क्या पता जीत जाऊं, और ना भी जीती तो वैसे भी दुखी होना है तो अभी खुश हो लूं। चल तो आज चलते हैं उसी चूज वन इवेंट पे, देखता हूँ तू कैसे जीतती है, क्योंकि आज तो मेरा लक अच्छा है ना, मैं जीतने वाला हूँ वैसे भी। हाँ हाँ देखते हैं चल। फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, अबे बनाया तो बड़ा सुंदर है। ओ सीधे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया। चूज वन, रेड या ब्लू, तू कौन सा चूज करेगी? मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैं तो रेड चूज करने वाली हूँ। एंड मैं ब्लू चूज करने वाला हूँ। ओके आगे, अबे ओ शिट शिट यार गया भाई साहब, 16 डायमंड्स, मजे आ गए, इतने तो तेरे पास भी नहीं है यार, कितना खराब लगता मेरा, मेरा सारा सामान चला गया, सिर्फ एक रह गया। क्या रह गया? अरे कुछ नहीं वैसे ही बोल रहा था, सब सामान गया यार, आज आगे चलते हैं। ओके लेट्स गो। ठीक है चूज वन कमेंट या सब्सक्राइब, इस बार पहले मैं चूज करूंगा, मैं कमेंट को चूज करने वाला हूँ। तो मैं सब्सक्राइब में जा रही हूँ। ठीक है मैं कमेंट में जाता हूँ। अबे शिट 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 यार लावा, अबे यार भाई साहब डायमंड ब्लॉक मिले मुझे वो भी 16। अबे यार फिर से लग खराब, तुझे क्या मिला? मुझे तो डायमंड ब्लॉक मिले वो भी 16, मजा ही आ गया। ओ भाई तेरा लग तो बहुत अच्छा था। चलो अब आगे चल के देखते हैं क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। एंड ये क्या है, चूज वन लाइक या शेयर, इस बार क्या, इस बार मैं फिर से शेयर चूज करने वाला हूँ, इस बार लाइक में अच्छा होगा। ओके तो मैं इधर जा, अबे यार फिर से लावा, नहीं नहीं भागो यार, शिट यार। यस मेरे पास बार दोनों चीज आ गई। अबे यार मेरा लक कितनी बार खराब हो गया यार, हर बार ही लक खराब हो रहा है। और ये क्या मिला? इस बार मेरे पास 16 डायमंड्स और 16 ब्लॉक्स दोनों चीज है। ओ भाई तेरे पास तो बढ़िया बहुत सारी चीज आ गई। ओ आगे बहुत सारे हंस की आवाज आ रही है ना, लगता है कुछ खतरनाक होने वाला है। प्रो नूब, प्रो में जाऊंगी। अरे नहीं नहीं प्रो में मैं जाऊंगा, मैं प्रो हूँ, तू नूब है तो नूब में जा। अबे यार ये गलत बात है, मुझे प्रो में जाना था। मैंने चुन लिया, ये मैंने चुन लिया, मैं हटूंगा ही नहीं यहाँ से, पीछे से तू ही जीतती आ रही है। ठीक है चल इस बार मैं जाने वाला हूँ। अबे शिट, ओ भाई ओ भाई ये तुझे क्या मिला? पूरा सारा आर्मर मुझे भी दे दे कुछ, मैं ये एक्स ले लेता हूँ इनसे लड़ने के लिए। चीट 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 मरो मरो अबे यार। यस बोला था ना इस बार क्रिसमस वाले उसमें मुझे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। भाई तेरे तो मजे आ गए, पूरा नेदरराइट आर्मर, डायमंड डायमंड के ब्लॉक। अब मुझसे फालतू बोला ना तो पिटेगा। वेट यार इसके पास इतना सारा सामान, वो भी इतना अच्छा अच्छा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा सारा सामान चला गया। मेरे पास अब भी टाइम ट्रेवल वाला फोन बचा हुआ है, एंड वो वहाँ पर है, मैं टाइम ट्रेवल करके जाता हूँ, इस बार तो मुझे पता ही है कौन सा डोर सही है। 3-2-1 चूज वन, रेड या ब्लू, वैसे मेरा फेवरेट कलर तो रेड है तो मैं रेड में जाने वाला हूँ। नहीं रेड मैं चूज करूंगा, इसलिए तू ब्लू चूज कर, क्या पता तेरे लिए ब्लू अच्छा हो, तो मैं रेड में जाने वाला हूँ। ठीक है मुझे क्या मिला है? ओ भाई 16 डायमंड, यस ये वाला राउंड मतलब मैं जीता हूँ। चूज वन कमेंट और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में चलूं क्या? तू कमेंट में जा फिर गोरी प्रो कमेंट आएंगी काफी सारी। ठीक है मैं जाता हूँ सब्सक्राइब में, सब्सक्राइब कर दो गाइस सबके सब अभी। ठीक है ना, ना।
यार शिट गई मैं। ओ भाई मुझे 16 डायमंड के ब्लॉक मिले। यस भाई साहब सब्सक्राइब का लगता बहुत अच्छा है। गाइस जल्दी से सबके सब सब्सक्राइब करो। फिर से ट्राई करूंगी, इस बार तो कुछ ना कुछ होगा ही। लाइक शेयर, इस बार मैं शेयर में जाऊंगी। ठीक है तू शेयर में जा, मैं लाइक में जाने वाला हूँ। अब की बार तो खुद ही फंस गई यार। शिट फिर से गई यार। नहीं इस बार 16 डायमंड के ब्लॉक भी और डायमंड्स भी। भाई कितने स्ट्रॉन्ग डायमंड हो गए। चूज वन, नूब या प्रो? यार आज का दिन ही खराब है, नूब में। नहीं 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 नहीं, तू प्रो है, तू प्रो में जा, तू बहुत प्रो है। थैंक यू चलो प्रो में चलते हैं। यस यस मारो अबे छोटे वाले मार इसे। अरे बचा ले मुझे यार, बचा ले यार। ये सारा आइटम डालो जल्दी जल्दी जल्दी। अबे यार शिट। ओ भाई मुझे पूरा आइटम मिल गया यार, मेरा लग कितना अच्छा है आज। कितने सारे डायमंड। फाइनली मैं इतनी सारी चीजें आज जीत ही चुका हूँ। तो चलो चलते हैं एक बार मंदिर में, चलते हैं पूजा करके आएंगे, भगवान के दर्शन करते हैं वहाँ चलकर। गाइस ये रहा हमारा मंदिर, जल्दी से चलते हैं मंदिर में और पूजा करके आते हैं। ओए किधर जा रहे हैं? मंदिर में जा रहा हूँ अंदर। मंदिर में जाने से पहले चेकिंग चल रही है, अपना सारा सामान यहाँ चेस्ट में रख दे। अबे तू कौन है चेकिंग करने वाली? अबे यार मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए मुझे मंदिर के बाहर गार्ड की जॉब करनी पड़ी। अब जल्दी रख, गार्ड की बात मान, वरना राजा यहाँ पे तुझे पनिशमेंट देगा। शिट यार इसकी बात मुझे माननी पड़ी। मेरा सामान तू चेक नहीं करेगी? मेरा सामान बिल्कुल सेफ होना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी भी तो चाहिए मुझे। हाँ हाँ वैसे भी मैंने इतने सारे लोगों का सामान रखा है, मैं सिर्फ तेरा ही क्यों चूज करूंगी। ठीक है मैं अपना सारा सामान यहाँ संभाल के रख देता हूँ, अब मैं चलता हूँ मंदिर में। मेरे ऊपर मेहरबानी हो गई आप। मुझे इतने ये क्या चीज है? फोन? शिट। अबे तू मेरा सामान चेक क्यों कर रही है? हटा। ये क्या चीज है? मेरा सामान चेक कर रही है तू? शिट। मेरा फोन ले लिया। ये रहा फोन, ये क्या चीज है बता जल्दी, क्या चीज है ये? नहीं ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हट जा। मैं अभी यूज कर रही हूँ, अभी यूज कर रही हूँ। अबे तू यूज मत कर। ये क्या हुआ? अबे अबे यार तू यूज कर रही है मेरी स्वॉर्ड, मेरी स्वॉर्ड से मार दे। अब समझी मेरा आज का दिन इतना खराब क्यों गया और तेरे दिन अच्छे कैसे जाने लगे? सुन 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 सॉरी, वो मैं बस प्रैंक कर रहा था एक। अच्छा बेटा करा गया है और वो तूने किया है? अबे यार इसे सब पता चल गया। गाइस जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, मिलता अगली वीडियो में, गुड बाय। तो गाइस आज मैं अपनी सिस्टर को बुलाने वाला हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, एंड आज उसे एक चैलेंज देने वाला हूँ कि अगर वो 15 मिनट के अंदर अंदर एक डायमंड ढूंढ के लाएगी तो उसे मिलेंगे पूरे 2000 रुपए। बट ये चैलेंज इतना भी इजी नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं उसे थोड़ा सा ट्रोल करने वाला हूँ। मैं काफी सारी चीजों के टेक्सचर ही बदल देने वाला हूँ, जैसे कि मैं लावा को कन्वर्ट करने वाला हूँ वाटर में, डर्ट को TNT में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड 6 नवंबर को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर होने वाला है 1 मिलियन स्पेशल टॉक शो, जहां पर आप सभी हमसे कॉल पे बात कर सकते हो। तो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके तो मैं अपनी सिस्टर के सर्वाइवल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, एंड यस ये रहा उसका घर। अरे यहाँ कोई है भी? हेलो कोई है क्या यहाँ? हेलो। अबे क्या बदतमीजी है, दरवाजा तोड़ेगा क्या? अरे मैं तुझे बुला रहा था। तो तेरे पास मूव नहीं है बुलाने के लिए, ये दरवाजा पटक रहा है बार बार। ये सब छोड़, मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है, अगर तू मुझे 15 मिनट में एक डायमंड ढूंढ के देगी तो मैं तुझे दूंगा पूरे 2000 रुपए। उफ तेरे सस्ते चैलेंजेस। 5000। अबे हट जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। मतलब भाई साहब कितनी ज्यादा लालची है, ये 5000 रुपए का नाम सुनते ही एकदम रेडी हो गई। ओ आर्मर भी ले लिया। अरे अंदर क्या है? अंदर भी चेस्ट रख रखी है। अरे वाह इसमें तो काफी सारा सामान है, पर मुझे नहीं लगता तू डायमंड ढूंढ भी पाएगी क्योंकि तू नूब है ना। अबे यार तू कितना बोले जा रहे है, चपड़ तेरी बोलने की वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। एक काम करो तेरी वॉइस ही डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। अबे ये क्या कह तूने? पर चलो कोई बात नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है क्योंकि अब इसे हमारी वॉइस जाएगी नहीं और इसकी वॉइस मुझे आती रहेगी, तो मेरे तो मजे ही आ गए। और अब मैं इसे गंदा वाला ट्रोल करने वाला हूँ। तो ये तो जा चुकी है डायमंड ढूंढने, बट अगर इसे डायमंड मिल भी गए तब भी नहीं मिलेंगे। कैसे? अभी दिखाता हूँ। ये देखो अगर मैं यहाँ सर्च करूँ डायमंड, तो ये देखो मैंने डायमंड को कन्वर्ट कर दिया है गोल्ड ओर में। मतलब इसे गोल्ड ओर मिलेगा, डायमंड नहीं। और अगर ये इस गोल्ड को तोड़ेगी इसमें से निकलेगा डायमंड, एंड मुझे नहीं लगता कि ये गोल्ड भी माइन करने वाली है, तो आज तो मजा ही आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, खुद को नाइट विजन देते हैं और चलते हैं इसके पास। अरे कहां गई, मुझे तो कहीं मिली नहीं रही। ओ वेट ये रही, ओ नीचे डिग डाउन कर रही है। जल्दी से डायमंड मिल जाओ, अरे यहीं आसपास तो दे, डायमंड ही तो है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है ये। ओ वेट ये देखो ये गोल्ड है, मतलब डायमंड, अगर इसने तोड़ लिया तो ये जीत जाएगी। नहीं ओ गोल्ड मिल गया, पर मेरे को तो डायमंड चाहिए ना। चल यार ये चिंदी गोल्ड लूं या ना लूं, अरे मैं ले ही नहीं रही, मेरे को इन्वेंटरी भरनी ही नहीं है। अरे वाह मुझे लगा ही था, मेरी बहन ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और चैलेंज जीतते रह गई। बट ये तो कुछ भी नहीं था, आगे तुम ये पानी देख रहे हो, रियलिटी में ये पानी है ही नहीं, ये तो लावा है, मैंने इसका टेक्सचर ही चेंज कर दिया। अबे यार इतनी गहरी गाय, पक्का नीचे डायमंड होगा, अब तो नीचे से ही डायमंड लूंगी, बट ये जाऊं कैसे, नीचे तो गिर जाऊंगी। अरे साइड में तो ये रहा पानी, आराम से तैरते हुए जाएंगे नीचे। लेकिन यार यहाँ से पानी कहाँ से आने लगा, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, पर क्या पता हो, मुझे क्या पता है, मैं कितना घूमती हूँ। तो चलो चलते हैं इसमें।
ये आग से कहां से आ रही है? अबे यार ये तो मैं जल रही हूँ। अबे ये डायमंड, अबे यार मर गई शिट यार। पर ये पानी जला कैसे रहा था? ओ भाई साहब ये फुल डैम इससे मरी, मतलब इसे पता भी नहीं चला ये कैसे मरी। अगर ये लावा से मरती तो इसे पता चल जाता कि मैं फिर से ट्रोल कर रहा हूँ, बट नहीं मेरा लग ही अच्छा है आज। चलो इसके पास चलते हैं। अरे क्या हुआ मिलेनी के डायमंड, अभी तो बहुत टाइम बाकी है जाना। ये सब छोड़ पहले ये बता पानी में घुसने के बाद मुझे आग कैसे लगी, और मतलब जब ये चमत्कार हो रहा था उस वक्त तू कहाँ पे था और तू अचानक से चैलेंज भी लेके आया है? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कोई चमत्कार नहीं हो रहे, जब तू मरी थी मैं वहीं स्पेक्टेटर में घूम रहा था, और वो जो वाटर वाली बात है ना वो ग्लिच होगा शायद कोई, हम लेटेस्ट वर्जन में ग्लिच होते रहते हैं माइनक्राफ्ट में। अब तू ये सब बातों पे ध्यान मत दे, तेरे पास टाइम कम है। डायमंड तो मैं बाद में ढूंढूंगी, पहले तो यार इस विलेजर ने बुद्धि खराब करके धर दी है, रोज बेड पे आके लेट जाते हैं, आज इसे ही पता कर दूं, पहले इसे ही मारूंगी। गाइस ये तो अपने पानी में जलने का गुस्सा विलेजर पे फूंकने चली गई, अब मैं इसे और ज्यादा फूंकने की तैयारी करता हूं। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं, एंड इसने यहां पर डेकोरेशन के लिए कुछ ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें हटाने वाला हूं, और मैं यहां पर लगाने वाला हूं मैग्मा ब्लॉक। और ये देखो मेरे मैग्मा ब्लॉक का टेक्सचर सेम टू सेम इन्हीं ब्लॉक की तरह है, मतलब इसे पता भी नहीं चलेगा और चुपचाप डैमेज भी पड़ता रहेगा। भाई साहब ये पागल हो जाएगी बिल्कुल यहां। एंड जब तक ये आती है तब तक मैं आपको बताने वाला हूं 1x बेट के बारे में। 1x बेट की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर आप देख सकते हो लाइव क्रिकेट हॉकी टेनिस और भी ढेर सारे गेम 24/7 सिर्फ अपने मोबाइल पे। एंड आपको मिलेंगे आपकी फेवरेट टीम के लाइव डेली अपडेट्स, और साथ ही साथ आप जीत सकते हो ढेर सारे पैसे। जी हां सही सुना आपने, आप यहां पर खेल सकते हो रिस्क फ्री बेट, मतलब अगर आप हार जाते हो तो पहली बार में आपको सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, देन डिपॉजिट करना है, और अगर आप हार जाते हो तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलने वाला है 100% बोनस, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे MCFLAME तो आपको मिलने वाला है 130% बोनस। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर करो। मारा ही विलेजर को, आज के बाद इस विलेज का एक भी सदस्य मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं करेगा। आए बड़े चलो जल्दी से सामान ले लीजिए। अबे यार ये डैमेज कैसे पड़ रहे हैं? नहीं नहीं पहले मुझे सामान निकालना है, पहले सामान निकालती हूँ। अबे यार क्या डैमेज दिया, बिल्कुल एक हट पे छोड़ा, क्या क्या ग्लिच हो रही है? भाई साहब बिल्कुल इन्वेंटरी में भसड़ मची हुई है, पहले ये इन्वेंटरी सही कर लेती हूँ। अबे इस पे तो अपनी इन्वेंटरी नहीं सुलझ रही, पर कोई बात नहीं ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है इसे और ट्रोल करने का। अभी दिखाता हूँ, ये देखो अभी ये तुम्हें ग्रेवल दिख रही है, पर ये देखो मैंने ग्रेवल को कन्वर्ट कर दिया है कोबल स्टोन में। अब इसे ग्रेवल भी ऐसी लगेगी जैसे कोबल स्टोन हो। अब इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, यस अब इस चेस्ट में रख देता हूँ। अबे यार अंदर की किसी भी चेस्ट में ब्लॉक नहीं है, मैंने ब्लॉक्स कहाँ रख दिए? अरे तेरे कोबल स्टोन बाहर वाली चेस्ट में रखे हैं बहुत सारे, इसमें देख। अबे यार ये रे सारे ब्लॉक, अब जल्दी से चलती हूँ नेदर में, वहाँ पे कहीं फोर्ट्रेस वगैरह में डायमंड ढूंढूंगी। ये ओवरवर्ल्ड में इतने ग्लिचेस हो रहे हैं ना पूछो मत। अबे यार स्पाइडर हटना गेट से। अबे अबे गोलम ने मार दिया, शिट यार लगता है इसने विलेजर को मारते हुए देख लिया था। ओके तो मैं पूरी रेडी हूँ नेदर में जाने के लिए, तो चलो। एक सेकंड यार मेरा फ्लिंट तो मैं केव में ही गिर गया जब मैं केव में मरी थी, अब एक और बनाना पड़ेगा। शिट शिट यार टाइम खराब हो रहा है। ओके तो गाइस ये जा रही है नेदर में, और इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है इसे दोबारा ट्रोल करने का। बट इसके नेदर में जाने से पहले मुझे थोड़े से काम और करने पड़ेंगे, जैसे कि मुझे लावा को वापस से लावा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना अगर इसे नेदर में पानी पानी चमकाना तो इसे तो पता लग जाएगा और मेरी वाट लग जाएगी। एंड मैं एक और चीज करने वाला हूँ, सबसे पहले इस पोर्टल को पीछे से ऑब्सीडियन से कवर करते हैं, देन यहाँ पे लगाते हैं आइटम फ्रेम। एंड ये देखो ये मैप जो मेरे पास है ये बिल्कुल नेदर पोर्टल जैसे लगते हैं, तो इसे पूरे में लगा देते हैं यहाँ पर। और अब ये नेदर पोर्टल ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से ही एक्टिवेट हो, बस अब इसका आने का वेट करते हैं। वेट यार ये पीछे से ऑब्सीडियन हटा के बैरियर ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ये किसी को दिखे भी ना। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा मैं ही पोर्टल को लाइट अप करके तेरी थोड़ी हेल्प कर दूं। ओ बड़ी जल्दी हेल्प कर दी, अब चल निकल यहाँ से, मैंने बना भी लिया था। चलो अब जल्दी से नेदर में चलती हूँ और डायमंड लाके इसके मुंह पे मारूंगी। अबे चल, अबे घुसना, ये नेदर पोर्टल हैंग हो गया क्या? अबे मेरा नेदर पोर्टल हैंग हो गया, ये क्या सीन है, ये मुझे ले जा क्यों नहीं रहा? अबे तूने पोर्टल को कोई सुपारी वुपारी दी है क्या? ओ भाई इसे तो कुछ पता ही नहीं चला, देखो तो कैसे कोशिश कर रही है अंदर जाने की। अबे यार इस पोर्टल ने एनोई कर दिया। एक सेकंड, इस पोर्टल में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, मतलब इसका कलर कुछ अजीब नहीं लग रहा जैसा होता है उससे थोड़ा अलग। एक काम करती हूँ इसे तोड़ के देखती हूँ। वेट वेट यार इसे तो शक हो रहा है कि ये सब मैंने किया है। एक काम करता हूँ इस पूरे को यहीं से क्लियर कर देता हूँ। यस अबे ये सब कुछ गायब कैसे हो गया, टूट के हुआ क्या? अबे पता नहीं क्या क्या चल रहा है ये, मैं दोबारा इग्नाइट करती हूँ, नेदर में चलना है, टाइम भी कम है। और उसके बाद घंटों नेदर में घूमने पर, लेकिन वो अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए थे ठीक है ना, और फाइनली मुझे वो जगह मिली गई। अबे ये कर क्या रही है, जब से अपना टाइम वेस्ट कर रही है, कम से कम इतनी देर हो गई इसे, भागे जा रही है चाह क्या रही है, मतलब क्या मिल जाएगा इसे नेदर में? अरे आगे क्यों आ रही है, आगे सिर्फ लावा ही लावा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जहाँ तुझे डायमंड मिल। वेट ये क्या,
ओह माय गॉड, इतना बड़ा बेस्टन। ओ भाई, इसमें तो डायमंड पक्का ही मिल जाएंगे। अबे यार, मैं तो चैलेंज हार ही जाऊंगा। गए मेरे 5,000 रुपए। अबे नहीं यार, इसने तो बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी, ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। ये आगे जा रही है भाई, आज तो इसे डायमंड मिल ही जाएंगे। मैंने गलत ही चैलेंज रखा। अबे यार, ओ शिट यार, मेरे तो प्लान ही खत्म हो गए। लेकिन मैं 64 कोबलस्टोन का स्टैक लाई हूं। ओ यस, कोबलस्टोन द ग्रेवल है। यस, यहां काम आएगी मेरी ट्रिक। ओके, अब तो डायमंड मिलेंगे और मैं चैलेंज जीत जाऊंगी। अबे अबे यार, ये कोबलस्टोन नीचे कैसे गिर गई? तो ग्रेवल की तरह वर्क कर रहे हैं। अबे यार, लावा में गिर गई। यार गई। ओ भाई साहब, मैं चैलेंज हार ही गया था ऑलमोस्ट। मुझे ग्रेवल ने बचा लिया आज तो। चलो चलते हैं एक बार वर्ल्ड में और देखते हैं इसका रिएक्शन जल्दी। अरे क्या हुआ? अबे कार्तिक यार, बस बहुत हो गया। माइनक्राफ्ट में ये सब ग्लिच नहीं होते। ऐसे उल्टे सीधे ग्लिचेस कभी देंगे उन्हें? मुझे तो ना ये अपने खिलाफ एक बनी बनाई साजिश लग रही है, ठीक है ना? अरे ये साजिश वाजिश छोड़, मैंने तेरे घर के सामने वाली केव में 2 डायमंड रख दिए। जल्दी जाओ उन्हें तोड़ और चैलेंज जीत। बस 1 मिनट बची मेरे पास, जल्दी से अपना टूल लेके चलती हूँ। ये अपने टूल्स लेके आती होगी। और वो देखो, मैंने डर्ट को TNT में और TNT को डर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं TNT आपको दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल डर्ट जैसा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में ये TNT है। अब एक काम करता हूँ, ये TNT बिल्कुल इसके घर के अंदर भर देता हूँ, घर के सामने सोने में लगा देता हूँ। ओके, तो मैंने ये सब जगह लगा दिए हैं। बस थोड़े से TNT घर के नीचे भी लगा देते हैं। ओके, तो सब कुछ रेडी है। जल्दी बताओ कौन सी वाली केव में रखे हैं। अरे रुक जा, तू चैलेंज जीतने जा रही है। एक काम कर, इस प्रेशर प्लेट पे चढ़ के जा, थोड़ा अच्छा सा तो लगे, उद्घाटन कर इसका। ओके, तो इसके ऊपर से चलते हैं। अबे ये क्या, फिर से कोई ग्लिच हो रहा है क्या? अबे ये क्या फट गया? अबे मेरा पूरा घर फट गया। अबे यार नहीं, मैं भी गई। ओ भाई साहब, आज तो मजा ही आ गया तुझे ट्रोल करने में। मैंने सब चीजों के टेक्सचर ही बदल दिए थे। तुझे बहुत शौक है ना आइटम बदलने का। अब मैं तुझे बताती हूँ असली स्वैपिंग किसे कहते हैं। अबे इतने गुस्से में क्या कहकर चली गई, छोड़ो इसे। गाइस, आज इतना बढ़िया ट्रोल किया, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। एंड हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वेट, मेरे दरवाजे पे किसकी आवाज आ रही है? ए, ये हथौड़े जैसे दिखने वाली चीज लेकर क्यों आ गई यहाँ? वो तू मेरे साथ स्वैपिंग खेल रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं भी तुझे एक गेम दिखा दूं। अब तेरी ये न्यू स्क्रीन है ना, इसे तोड़ के ना कंच में स्वैप कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसे नहीं होता। गई 1, 2, 3। तो आज मैं माइनक्राफ्ट में सीक्रेटली यूज करने वाला हूँ शेप शिफ्टर मोड एंड ट्रोल करने वाला हूँ अपनी सिस्टर को। हमारे पास एक मॉर्फिंग एग, जैसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, ये देखो हम इतने सारे मॉब्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं विदर स्केलेटन बन चुका हूँ और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा भाई, आज तो पूरा मजा आएगा ट्रोल करने में। एंड आज मैं उसे गोल देने वाला हूँ डायमंड ढूंढने का। सबसे पहले विलेज में चेक करते हैं, नहीं है डायमंड्स, तो मैं यहाँ क्रिएटिव से थोड़े डायमंड्स रख देता हूँ। एंड अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। नहीं, यही तो मेरा प्लान है, लास्ट तक देखना, बहुत जाएगा। तो चलो अब बुलाते हैं उसे। अरे सुन, मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है। मुझे नहीं करना। अरे सुन तो सही, अगर तू उस चैलेंज को कर लेती है तो तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगा। अच्छा, कितना भी एक्सपेंसिव हो? हाँ हाँ, खुद से दूंगा। फिर तो आ जाना, क्यों लेट कर रहे हैं? कितनी लालची है, आ जल्दी। ऑलराइट गाइस, तो मैं चैलेंज में आ चुकी हूँ और चैलेंज जीत के भी जाने वाली हूँ। चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं तुझे बता दूँ कि ये वर्ल्ड पूरा कर्ज है, तो अगर तेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीजें हो तो ज्यादा डरना मत। और मैं पूरे टाइम स्पेक्टेटर मोड में रहने वाला हूँ, मतलब तू मुझे नहीं देख पाएगी। ओके गाइस, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से वुडन के टूल्स बना लेती हूँ और आगे चल के देखते हैं, क्या पता कोई अच्छी सी केव भी मिल जाए। अबे यार, ये तो गलत डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे तो मेरा पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। आइडिया, मैं एक विलेजर बन जाता हूँ, अब ये मेरे पीछे पीछे विलेज में आ जाएगी। वेट, उधर एक विलेजर है, पक्का उधर कोई विलेज होगा। जल्दी जल्दी इसके पीछे चलते हैं। ओह माय गॉड, इधर एक विलेज मिल गया। ओ, ये कितनी आसानी से मेरे पीछे पीछे विलेज में आ गई। अब इससे पहले कि ये ब्लैक स्मिथ के घर में जाए, मैं पहले से ही अंदर बैठ जाता हूँ। ओ आ गई ये, अब तो इसे शौक लगने वाला है। ओ माय गॉड, चेस्ट में डायमंड है, अब तो चैलेंज पक्का जीतूंगी। एक मिनट, ये डायमंड कहाँ गए? अभी विलेजर डायमंड लेके भाग रहा है और वो भी इतनी तेज। ओ भाई भागो जल्दी, मेरे पीछे ही पड़ रही है ये कितना अजीब लग रहा है, एक विलेजर डायमंड लेके भाग गया। जल्दी से प्लेयर बन के चलता हूँ और इसका रिएक्शन देखते हैं। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? अबे यार, मैं चैलेंज में जीत गई थी, विलेजर मेरे डायमंड लेके भाग गया। हैं, विलेजर डायमंड लेके भाग गया, ऐसा कब होता है? ओ हाँ, मैंने बोला था ना ये वर्ल्ड कर्ज है, अब तेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जल्दी से डायमंड ढूंढ। तू सही कह रहा है, सबसे पहले गोलम को मारने के लिए एक्स बना लेती हूँ। ओ तो ये गोलम को मारने वाली है, अच्छा एक मिनट, इस गोलम को कहीं मैं दूर छोड़ कर आता हूँ। एंड अब मैं बनने वाला हूँ एक नकली गोलम। भाई साहब, अब इसके साथ खतरनाक प्रैंक होने वाला है। ये रहा गोलम, जल्दी से मारो और भागो। जल्दी जल्दी 3 ब्लॉक बिल्ड कर लेती हूँ। इसे तो देखो कितनी बड़ी नूब है, गोलम के पास ही बिल्डअप कर रही है। कोई बात नहीं, नूब गर्दी की सजा तो मिलेगी, ये ले। अबे ये क्या गोलम जंप करके मार रहे हैं, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। ये तो भाग गई, जल्दी से प्लेयर बन के चलता हूँ। अरे मैं तब से तुझे ही देख रहा हूँ, कहीं भी गोलम जंप करके नहीं मार रहा था, तुझ पे अच्छे से बिल्डअप ही नहीं हुआ। रुक जा, मैं गोलम को लेकर आता हूँ। हाँ ये रहा, अब मार इसे। अरे यार, मैंने पहले भी ऐसे किया था बट नहीं हुआ, शायद मुझसे कुछ गलती हुई थी। मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस बार मैं बनने वाला हूँ होगलिंग। इस बार तो ये पक्का डरने वाली है। वो रही सामने, जल्दी से जाके इसे मारते हैं। होगलिंग,
जमीन। अबे ये कैसे आए हैं, जल्दी घर में घुस जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तू ही बन के आ रहा है। अरे ये मैं नहीं हूँ, मैं तो स्पेक्टेटर मोड में तेरे साथ साथ घूम रहा हूँ। हाँ एक इधर रुइन पोर्टल है तो मैंने उसे लाइट अप किया था, लगता है ये उसी में से आ गया। ओ अच्छा, वैसे मुझे ये आर्मर मिला उसे लेके रुइन पोर्टल में ही चलती हूँ। अबे यार इसके आने से पहले जल्दी से इस पोर्टल को लाइट अप करना पड़ेगा, फाइनली हो गया। तो जल्दी से नेदर में चलते हैं। ओ ये कैसी जगह पोर्टल खुला है यार, ब्रिज बनाना पड़ेगा। ओ यहाँ तो काफी सारी पिगलिंग्स है, जल्दी से वे दो गोल्ड के ब्लॉक तोड़ के लाती हूँ। इसके आने से पहले मैं एक पिगलिंग बन जाता हूँ और एक स्वॉर्ड भी ले लेते हैं। हाँ लग रहा हूँ ना सेम, अब इसे ट्रोल करूंगा। ओ इसने मुझको गोल्ड दिया, इसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, जल्दी से एंडर पर्ल फेंक देता हूँ। व्हाट 16 एंडर पर्ल, यार ये तो बहुत मस्त है, दोबारा देखती हूँ। क्या नेदरराइट की चेस्ट प्लेट, काफी गोल्ड पड़ा है, इससे और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्या एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, जल्दी जल्दी डायमंड भी दे दे। अबे ये तो मार रहा है, भागो, लगता है इसने सारा सामान गलती से दे दिया। ओ भाई साहब भाग गई ये तो, अब मैं भी प्लेयर बन के चलता हूँ। वैसे स्पिगलिंग ने मस्त लूट दे दी, चलो अब सोने चलती हूँ। रात हो रही है और ये सोने के लिए चली गई, अब इसे ज़ॉम्बी बन के ट्रोल करता हूँ। इसी घर में है ये, चलो अंदर चलते हैं। अबे ज़ॉम्बी ने गेट कैसे खोल लिया और बेड भी तोड़ दिया, अबे यार यहाँ तो कुछ भी हो रहा है। अबे यार ये तो पूरी तरीके से डर चुकी है, जो मैं चाहता था वही हुआ। अब जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से और प्लेयर बन के आता हूँ। अरे भाग क्यों रही है, तुझे क्या हुआ इस वर्ल्ड में, ये हो क्या रहा है, विलेजर डायमंड चुरा रहे हैं, गोलम कूद के आ रहे हैं और ज़ॉम्बी गेट खोल के अंदर बढ़ जा रहे हैं। अरे मैंने बोला तो था ये कर्ज वर्ल्ड है, तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दे। नहीं नहीं नहीं, डायमंड तो मैं ढूंढ के ही दिखाऊंगी, वैसे भी मुझे यहाँ एक केव मिली थी, मैं चलती हूँ। अच्छा तो ये केव में जा रही है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी बो को एंचाइंट करता हूँ और अब मैं बनने वाला हूँ स्केलेटन। ये रही, अभी से मारता हूँ, ये ले। अबे ये स्केलेटन फ्लेम वाले एरो कब से मारने लगे, अंदर भागो जल्दी। भाग गई ये तो, मैं जल्दी से बैट बन जाता हूँ और अब अंदर चलता हूँ। यहाँ तो काफी सारा आ रहा है ना, इसे भी माइन कर लेती हूँ। ओ मेरे पास एक आइडिया है, इसका ध्यान माइन करने में है, जल्दी से यहाँ लगा देता हूँ। ये रेडस्टोन कहाँ से आया, माइन कर लेती हूँ। अरे मेरे पीछे भी है, इसे भी माइन कर लेती हूँ। अबे यार ये कहाँ से आ गया, इतना सारा रेडस्टोन आ कहाँ से रहा है। इस बार लैपिस आया, इसे भी माइन कर लेती हूँ। अबे फिर से लैपिस, इस साइड भी लैपिस और इस साइड भी लैपिस, अरे इतना सारा लैपिस आ कहाँ से रहा है। ये बैठिया क्या कर रहा है, पक्का ये कर रहा है, इसे अभी मारती हूँ। ओ भाग गया। ओ भाई इसे ट्रोल करने में तो बहुत मजा आ रहा है, इस बार क्रीपर बन के चलता हूँ। अरे यहाँ पे ये माइनिंग कर रही है, जल्दी से इसके पीछे चुपचाप डायमंड्स लगा देता हूँ। ओ डायमंड मिल गई, फाइनली जीत गई। ओ क्रीपर भागो जल्दी। अरे ये कितनी नूब है, क्रीपर देखते ही डायमंड छोड़ के भाग गई। भाई साहब अब मैं कैट बनने वाला हूँ और अब होगा इसके साथ एक प्रैंक। अरे वो क्रीपर कहाँ चले गया, लगता है इस कैट से डर के भाग गया। मैं डायमंड तोड़ती हूँ, ये कैट मेरे डायमंड ले जा रही है। ओ भाई सारे डायमंड ले गई है, ये सब हो क्या रहा है। भाई साहब आज तो इसके साथ प्रैंक करने में मजा ही आ गया। ओ मैं नहीं खेल रही, यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, कोई भी डायमंड रख दे रहा है, कोई भी लेके भाग रहा है। हाँ हाँ अब नहीं होगा, जा डायमंड ढूंढ जाके जल्दी। अच्छा अब ये कहाँ डिग डाउन कर रही है। ओ इस जगह पर डायमंड है और ये भी यहाँ पहुंच रही है, लगता है कुछ क्राफ्ट कर रही है, जल्दी कुछ बनना पड़ेगा। आइडिया, मैं आर्मर स्टैंड बन जाता हूँ। फाइनली डायमंड मिल गए, एक मिनट आर्मर स्टैंड चल रहा है। भूत इसे देखो, नोबडी भूत बता रही है, डर के भाग गई, पर मुझे लगता है ये दोबारा आएगी। एक काम करता हूँ, इस बार मैं विच बन के यहीं छिप जाता हूँ। ओ ये आ गई, मुझे नेम टैग दिख रहा है, जल्दी से छुपो। यार यहीं तो थे डायमंड। ओ यहाँ तो विच है, इसने मुझे लावा में गिर दिया, मैं गई। ओ इसने मुझे फायर रेसिस्टेंट दे दिया, अरे ये तो मुझे बढ़िया बढ़िया पोशंस दे रही है। देती रह खड़ी रहती हूँ, क्या पता कुछ पावरफुल पोशन दे। बहुत खा लिए अच्छे पोशन, अब ये खा। एक मिनट, इसने मुझे इंस्टेंट डैमेज का पोशन दे दिया, भागो। ओ भाई साहब मैंने इसे इतना ट्रोल कर दिया आज, पर अब इसे डायमंड दे ही देता हूँ। यहाँ साइड में ही डायमंड है, ये तो देख लेगी। अबे इसने डायमंड नहीं देखा और सीधी एक्सपी लेने निकल गई। चलो कोई बात नहीं। ओ फिर से आ रही है और इस बार माइनिंग करने आ रही है। अबे ये डायमंड छोड़ के गोल्ड माइन कर रही है, थोड़ी बेवकूफ है ये। ओ ये ऊपर जा रही है, इसे नीचे भेजने के लिए कोई मॉब बन के आता हूँ। अभी ऊपर एवेंजर है, वापस नीचे ही भागो। अब तो पक्का ही डायमंड माइन कर लेगी। अबे यार इसने फिर से डायमंड माइन नहीं करे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे तू नूब है क्या, इतनी देर से मैं मॉब बन बन के तुझे डायमंड के पास ले जा रहा हूँ और तू डायमंड ही माइन नहीं कर रही। मतलब अभी तक वे मॉब्स तू बन रहा था। नहीं 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 बेटा, जब से तू मुझे ट्रोल कर रहा था अब तो तू गया। बेबी ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, मार दिया इसे तो बेबी ज़ॉम्बी ने मार दिया। लेकिन आप भी हमारे साथ खेलकर हमें मार सकते हो, कैसे, डिस्कॉर्ड पर होने वाला है 100 प्लेयर वाला इवेंट। एंड डिस्कॉर्ड की चैट में से हम किन्हीं भी 100 बंदों को उठाएंगे एंड उनके साथ खेलेंगे और जो भी बंदा हमें मार देगा वो होगा विनर, एंड विनर को मिलेंगे कुछ अमेजिंग प्राइज। तो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 3000 लाइक तो कर दो जल्दी कम्प्लीट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।
तो आज मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर का एक सर्वाइवल वर्ल्ड भी है जिसमें उसने पूरा एक मैंशन और काफी सारे आर्मर भी बनाए हुए हैं और मुझे आज तक बताया भी नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया सीक्रेटली। इसलिए आज हम उसके वर्ल्ड में जाने वाले हैं और उसको थोड़ा बहुत ट्रोल करेंगे। तो चलते हैं उसके वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। ओ मैं आ गया, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। वेट, वहाँ पर कुछ स्लैब्स हैं एंड वहाँ पर एक घर भी है, चलो उसी घर के पास चलते हैं। ओए तू मेरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है? अरे क्रीपर बच गई। ये सब छोड़, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया हूँ, देख रहा था तेरा घर कैसा है। ठीक है, पर मेरे घर के अंदर मत घुस जाना वरना पिटेगा। एक वैसे क्रीपर ने दिमाग खराब कराया, बस चार हट छोड़े हैं। अच्छा ये ले तो फिर। अबे मार मत, मैं मर जाऊंगी। गई, और मुझे तेरा आयरन का आर्मर भी मिल गया। अब तो मैं बहुत पावरफुल हूँ, अब इसके घर में घूमूंगा। वेट, ये इतना पावरफुल आर्मर कहाँ से पहन के आ रही है? तूने मुझे मारा था ना, ये ले। नहीं, अब तो कुछ भी करके मुझे इसका आर्मर लेना ही पड़ेगा। अरे यार इसने मेरा ये आर्मर देख लिया, अब ये मुझसे कुछ ना कुछ करके ले लेगा। मार तो नहीं सकता पर हाँ कोई ट्रैप बना ही देगा। इससे पहले मेरा आर्मर ले, मैं इसे ऐसे बेसमेंट में छुपाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो अब मैं बनाने वाली हूँ एक सीक्रेट बेस। लास्ट ब्लॉक एंड फाइनली मेरा बेसमेंट कंप्लीट। तो मैं इसके घर के पीछे वाली साइड पे आ चुका हूँ और अब मैं इस पे नजर रखने वाला हूँ। वेट, ये कहीं जा रही है, लगता है ये माइनिंग पे जा रही है। और इसके पास इसका आर्मर भी नहीं है, मतलब वो इसने घर पे रख दिया। यही सही टाइम है आर्मर चुराने का। जल्दी से इसके घर के अंदर चलते हैं। ये रहा मेन डोर। ये क्या है? ग्राउंड लाइट। इसे दबा के देखता हूँ। ओ भाई साहब इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी। अरे इधर भी एक कमरा है। ओ यहाँ तो स्टेयर्स है। ये क्या लिखा है? हिडन स्टेयर केस। अंदर जाके देखता हूँ। प्लेस अ रेड स्टोन टॉर्च। यार मेरे पास तो है ही नहीं, चलो बाद में मिलेगी तो लगा के देख लेंगे। अभी के लिए ऊपर चलते हैं। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सीधा बाहर का रास्ता है। चलो नीचे ही वापस चलते हैं। अरे यहाँ एक लाइब्रेरी है। ये क्या है? लगता है ये कोई हिडन चेस्ट है। दबा के देखता हूँ। ओ भाई साहब एक चेस्ट। इसके अंदर देखते हैं डायमंड्स, लेकिन आर्मर नहीं मिला। यार मेरे पास मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक मिनट बची है। वेट ये क्या है? स्टोरेज। ओ यहाँ पर कुछ है, क्रॉस यही आर्मर हो यही आर्मर मिल सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अबे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वापस ऊपर चलता हूँ। अरे इसके घर में तो बहुत कमरे हैं। और ये क्या है? ओ अब समझा, इधर से रो फूड डालना है और इधर से कुक्ड मिलेगा। अबे यार मेरा कुक्ड फूड चला गया, कोई बात नहीं हम ऊपर चलते हैं। अरे यहाँ एक और कमरा है। नहीं यार ये तो बालकनी है। वेट वो देखो वो आ रही है। अबे तू मेरे घर में कैसे आया? अरे इसने देख लिया, अब छुपना पड़ेगा जल्दी से। ये आ कौन से डोर से रही है? अबे ये आ गई, जल्दी से ऊपर भागो, ये बस अंदर ना आ जाए। अबे यार यहीं पर आ गई, ये मैंने क्या कर दिया, इसे साउंड आ गई होगी, जल्दी इधर भागो। इसका नेम टैग दिख रहा है, मैं आज मरने वाला हूँ। यार ये अंदर ना आ जाए, बस यहीं पर खड़ी है, जल्दी गेट बंद करो। बच गया, पता नहीं कहाँ गया, ये आर्मर तक ना पहुँच जाए। कितने किनारे किनारे पर बचाऊ मैं, ये तो बाहर चली गई। जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये सामने छुप जाता हूँ। लगता है कहीं नीचे ही छुपा है। ये तो चली गई नीचे, जल्दी से मैं इस वाले कमरे में चलता हूँ। ये गेट खुलने की आवाज यहाँ से आई ना, ये रहा, अब तू नहीं बचेगा। अरे मारना मत भागो जल्दी यहाँ से। वैसे इसका घर पूरी भूल भुलैया है, कहीं भी जाके छुप जाता हूँ। अरे यहाँ पे लाइब्रेरी है, जल्दी इसमें छुप जाता हूँ, पता नहीं यहाँ मुझे ढूंढ पाएगी या नहीं। अच्छा यहाँ छुपा है, तुझे क्या लगा तू मुझसे मेरे ही घर में छुप जाएगा? आजा ऊपर आजा, निकल यहाँ से, मैं तुझे ऊपर ही नहीं आने दूंगा। वापस नीचे जा, जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी इस कमरे में इस चेयर के पीछे छुप जाते हैं। अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया, ये टेलीपोर्टेशन की पावर तो नहीं ले रहा, बाहर जाके ढूंढते हो। ओ भाई साहब इसे मैं दिखाई नहीं है, कितनी बड़ी नूब है। वेट इसके घर में एक और सीक्रेट रूम है, और यहाँ क्या है? एक चेस्ट, इसमें देखते हैं रेड स्टोन टॉर्च। इसका तो यूज मुझे पता है, इस जगह पे लगानी थी रेड स्टोन टॉर्च, यहाँ लगाते हैं। ओ कुछ आवाज आई, इधर देखते हैं। ओ भाई साहब एक सीक्रेट एंट्रेंस, जल्दी से अंदर चलो और बाहर से बंद कर लो। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। अरे इसका नेम टैग देखो, ये मुझे यही ढूंढते फिर रही है, ऊपर गई। इस बटन को दबा के देखते हैं, अरे वो सल्कर बॉक्स चला गया। दोबारा दबाते हैं, एक और नया आ गया एंड इसके अंदर ढेर सारा खाना है। एक और बार बटन प्रेस करते हैं, वाह एक और सल्कर बॉक्स। इसके अंदर देखते हैं, ओ भाई साहब डायमंड स्वॉर्ड एंड मैं बाहर आ चुका हूँ, और इसे तो देखो यहीं पर घूम रही है। यार मैं इसके घर में इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक मुझे आर्मर नहीं मिला। एक काम करता हूँ, इसी का पीछा करता हूँ, क्या पता ये आर्मर को बचाने के लिए उसके पास जाए। अरे ये तो ऊपर चली गई, चलो हम भी ऊपर चलते हैं। अबे नीचे गिर गई, यार ये कितनी बड़ी नूब है, इसकी नूब पंती की वजह से अभी मैं फंस जाता। ये तो ऊपर चली गई, अब इसके पीछे मैं भी ऊपर चलता हूँ। अबे यार ये तो वापस आ रही है, अब क्या करूँ, जल्दी से इधर छुप जाता हूँ। ओ बस देखना ले गई। अब मैं सबसे पहले इसके बेड तोड़ देता
लेता हूँ। वेट, ये बाहर जा रही है, जल्दी से इसके पीछे चलते हैं। अरे ये तो वही रूम है जिसमें मैं पहले भी आया था, बट ये कर क्या रही है? ओ, इसने यहाँ कुछ ड्रॉप किया और वो गायब हो गया। वेट, यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल गई और ये इसके अंदर भी चली गई। मैं भी इसके पीछे पीछे चलता हूँ। अरे ये चेस्ट में कुछ डाल रही है, यही सही मौका है, निकल यहाँ से। तू कहाँ से और मैं ये कहाँ स्पॉन हो गई? वैसे भी घर में तू आर्मर नहीं ढूंढ पाएगा, इतने तो मैं घर ढूंढ लूंगी। मेरे पास सिर्फ 7-8 मिनट है आर्मर ढूंढने के लिए। लेकिन ये क्या बोल रही थी कि मैं घर में नहीं ढूंढ पाऊंगा? इसका मतलब आर्मर घर में है ही नहीं, मतलब मुझे आर्मर घर के आसपास कहीं बाहर मिलेगा। अरे इस हॉर्स को तो देखो, ये कितना अजीब है, बिल्कुल ब्लू। पर यार पता नहीं मुझे आर्मर कहाँ मिलेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा। वेट, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब एक खाली लोग। वैसे भी इसका ये पूरा रेड स्टोन हाउस है, कहीं से कोई लीवर ढूंढ के लाता हूँ। लीवर, ओ यहाँ पर लगा हुआ है, इसे ही तोड़ लो। तो फाइनली मैं लीवर लेके आ चुका हूँ, अब इसे यहाँ पर लगाता हूँ एंड एक्टिवेट करते हैं। ओ कुछ हुआ, वेट यहाँ पर ये क्या खुल गया? ये तो मुझे कोई बहुत ही एडवांस सीक्रेट बेस लग रहा है। एंड इधर देखते हैं, इधर क्या है? एलिवेटर, लगता है इससे तो बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरी वाली साइड का गेट खोलते हैं एंड अंदर एक रूम है। अबे यार ये कैसा रूम है, बिल्कुल अंडरग्राउंड। एंड ये आर्मर के आगे बटन कैसा? ओ आर्मर एक्सचेंज हो गया और यहाँ पर काफी सारे डायमंड के एंचेंटेड आर्मर भी हैं, बट नेदराइट वाला नहीं है, मैंने इतने सारे टेस्ट कर लिए। एंड इधर ये क्या है? वेंडिंग मशीन। ओ समझ गया, मुझे सबसे पहले जो चाहिए उसकी तरफ एरो करना है एंड ये बटन दबाना है। ओ ये ग्लास खुल गया, काश यहाँ पे नेदराइट आर्मर मिल जाए। फाइनली मुझे नेदराइट आर्मर मिल गया, अब मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अब चलते हैं बाहर उस एलिवेटर से, मुझे जस्ट ये बटन दबाना है। ओ भाई साहब ये कितनी मस्त टेक्नोलॉजी। अरे ये तू बाहर क्या कर रही है? और तेरे पास एक और नेदराइट आर्मर? पर मेरे पास ज्यादा पावरफुल है, तू पिटेगी। आराम से आर्मर देने वाले या फिर पिटकर? तेरे पास एंचेंटेड एप्पल है, फिर भी आर्मर तो मैं तुझे नहीं दूंगा। यार ये एंचेंटेड गोल्डन एप्पल बहुत पावरफुल है, तुझे फायर का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अभी तक तो मेरा एक भी हर्ट नहीं गया, तो तू पिटेगा। मेरे तो इतने सारे हर्ट चले गए, जल्दी से कुछ खाना पड़ेगा। अरे अभी मत मान, मेरे सिर्फ 1 फुट बचा है, जल्दी भागो यहाँ से। मैं काफी दूर आके छिप चुका हूँ, जल्दी से खाना खा के अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। फाइनली मेरी हेल्थ फुल है और ये आ रही सामने से, अब तो ये पिटेगी। आजा, अब तो मेरी हेल्थ फुल है। ओ शिट, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खत्म हो गए और उनके इफेक्ट भी। यस, यही तो मैं चाहता था, अब तो तू गई, निकल यहाँ से। यस मैं जीत गया। यार मैं फिर कहीं और स्पॉन हो गई, मुझे इस वर्ल्ड में खेलना ही नहीं है, तू ही रख। ये तो गई, मतलब ये आर्मर और मेंशन अब मेरा। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, और हमसे बात करने के लिए जल्दी से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible, too many options.